तो दोस्तों अभी जो है हम लोग इस कॉलोनी आए हुए हैं और यहाँ क्वार्टर के जस्ट बाहर दरवाजे के पास यहाँ एक बहुत बड़ा कोबरा सांप है, तो शायद दिखाई दे यहाँ पर। देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से घास में छिपा हुआ है यह सांप, काफ़ी बड़े साइज का ये कोबरा सांप है, तो इसे निकालना होगा। काफ़ी देर से लोग इस पर नज़र बना के खड़े हैं, तो आ चुके हैं हम, बने रहिए दोस्तों वीडियो में। देखा, टॉर्च बंद कर दीजिए, टॉर्च बंद कर दीजिए, ये लाइट पकड़ ली। बहुत बड़ा सांप है, दिखा दिखा दोस्तों, यहाँ से घुसना चाह रहा है। देखो बहुत बड़ा नाल सांप है दोस्तों, देख रहे हैं, ये अथी लो रे सांप लो रे अथी लो फोटो लो, देखो देखो फन देखो इसका फन देखो फन देखो फोटो लो मौली तृप्ति। दोस्तों इतना बड़ा कोबरा सांप देख पा रहे थे घास में, कितने आराम से छिपा हुआ था और पता ही नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कोई सांप भी है। तो दोस्तों बहुत जहरीला सांप है और घर के आज देखिए छठ पर्व का दिन है। देखो ना देखो दोस्तों, थोड़ा शांत रहिए दोस्तों, छठ पर्व का समय है और ऐसे में क्या है, लोग क्या है अर्घ दे के अभी घर लौट रहे हैं और ऐसे में दरवाजे के पास ही बगल में यह सांप था और कोई आते जाते अगर इससे सामना हो जाता या इसमें पैर पड़ जाता तो सांप क्या है बाइट कर सकता था। तो बताते चले, बहुत जहरीला सांप है दोस्तों, यह सांप यदि काट लेता है आपको तो दोस्तों अगर यह सांप काट लेता है तो आपके पास 40 मिनट से घंटे भर तक का ही समय होता है। इस दरमियान क्या है आपको अस्पताल जाना है। अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या है, सांप का जहर 40 मिनट से घंटे भर के अंदर आपकी जान ले सकता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कोई सांप बाइट करे सिर्फ अस्पताल जाना है। देख लीजिए नाग बाबा छठ पर्व के दिन दर्शन हो गए। चलिए इसको हम लोग पैक करते हैं। छह महीना से परेशान किए हुए, छह महीना से। हाँ अरे रह रहा है कि आ जा रहा है यही वाला। हाँ तो घूम रहा होगा, यही सीढ़ी के अंदर ही घर बना लिया है। चलिए फाइनली सांप का हमने अच्छे से रेस्क्यू कर लिया है, उम्मीद है दोस्तों रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।